गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में हम लोग अनुभववाद के अंतर्गत बर्कले की चर्चा करवाएंगे। इससे पहले अनुभववाद में हमने लॉक की चर्चा करवा ली है, बर्कले के बाद ह्यूम की चर्चा करवाएंगे। लॉक, बर्कले और ह्यूम, ये जो तीन हैं, ये अनुभववाद के त्रिमूर्ति हैं, जो दर्शन की अनुभववादी शाखाएं हैं। अनुभववादी शाखा का मतलब ये होगा कि वो शाखा जिसमें अनुभव को ही प्रधानता दी गई है। इससे पहले हमने किसकी चर्चा की थी? बुद्धिवाद की। और बुद्धिवादी दार्शनिक की जो त्रयी थे, त्रिमूर्ति थे, वो कौन कौन थे? डेकार्ट, स्पिनोजा एंड लाइबनीज। इन तीनों ने क्या किया था कि बुद्धि को ही केवल महत्व दिया था और उसी महत्ता के आधार पर चीजों को निष्कर्षित किया था। और वो जो डिस्कशन और निष्कर्षण था, उसमें अनुभव की महत्व नहीं थी। और जब अनुभव की महत्व नहीं है, केवल और केवल ज्ञान की ही महत्वता होगी। और ज्ञान चूंकि प्राप्ति के साधन सबके अलग अलग होते हैं, इसीलिए अनुभविक स्तर पे वो चीजें भी भिन्न भिन्न प्रतीत होंगे। और यही रीजन होगा कि दर्शन एक अबूझ पहेली बन गई थी। इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब अनुभववादी आते हैं, तो उन्होंने ये माना कि दर्शन केवल बौद्धिकता नहीं है, दर्शन को इस लौकिकता में भी जोड़नी है। और इस लौकिकता में जब आप जोड़ेंगे दर्शन को, तो इसमें अनुभव का प्राधान्य होगा। क्योंकि हम जो एक व्यक्ति के रूप में है, या जिस भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या जिस भी चीज के बारे में कल्पना करते हैं, एक अस्तित्व का, एक एंटिटी का, वो एंटिटी अनुभव से ही बना होता है। यदि अनुभव नहीं हो, तो फिर उस चीज का अस्तित्व का कोई मतलब नहीं होता। अब इस अनुभव के बारे में यदि हम डिस्कशन करें, तो लॉक के बारे में चर्चा करें, तो लॉक ने कहां से शुरू किया? लॉक ने कहा कि जब अर्लियर स्टेज में आते हैं, तो बौद्धिकता की कोई विकास प्रस्फुटन नहीं होता। बौद्धिकता हमारे अंदर अंतर्निहित क्षमता के रूप में होती है। बाद में हम जब ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है, तब मन सक्रिय होता है और फिर बुद्धि जागृत होकर कुछ नई नियमन का सृजन करती है, और उसी सृजन के आधार पर नए नए चीजों का ज्ञान या आभास प्राप्त होता है। अब हम बात करें लॉक के केस में। लॉक ने सबसे पहले बर्कले को जानने से पहले थोड़ा सा लॉक को हमें जानना होगा, फिर हम लोग बर्कले की बात कर लेंगे। तो लॉक ने क्या कहा था? लॉक ने कहा कि जानने की चीजें ज्ञानेंद्रियां हैं, साधन, और ज्ञानेंद्रियों को क्या मिलता है? केवल संवेदन या स्वसंवेदन। और ये स्वसंवेदन या संवेदन के आधार पे ही उस संवेदन का जो मूल कारण होगा, उस कारक के रूप में लॉक ने एक द्रव्य की कल्पना की थी। प्रश्न यह है कि अनुभववादी में यही बर्कले इसका विरोध करेगा कि जब आपने कहा कि जिन चीजों का अनुभव नहीं होगा, हम उसे मान नहीं सकते, तो फिर जब आपको स्वसंवेदन और संवेदन के आधार पे केवल और केवल एक गुणों की ही प्राप्ति हो रही है, तो गुणों के अधिष्ठान का जो आपने अनुमान किया, उस गुणों के अधिष्ठान का अनुमान कैसे कर लिया आपने? फिर तो ये बौद्धिकता की ही बातें हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो दर्शन है, वो अनुभववाद से असंगत हो जाएंगे। तो मूलतः मुद्दा यह था कि लॉक ने जिन चीजों की कल्पना कर ली बौद्धिकता के स्तर पर, जिन चीजों का अनुभव नहीं भी होता था। जैसे हमने क्या कहा, सबसे पहले उन्होंने चर्चा की कि एक वस्तुनिष्ठ चीजों के या गुणों के आधारभूत सत्ता के रूप में किसी द्रव की कल्पना, ये दूसरी बातों उन्होंने क्या कहा, दूसरी बातों में उन्होंने गुणों में भी भेद किया, प्राथमिक एवं द्वितीय गुण, इस आधार पर आत्मा की भी सीमितता में, तो इन चीजों के आधार पर बाद में बर्कले ने इनका विरोध किया। तो बर्कले का जो दर्शन की शुरुआत होगी, बर्कले की दर्शन का, वो कहां से हुआ? लॉक के विरोध से। और ये लॉक के विरोध का मतलब, इसे विरोध के बजाय हम कह सकते हैं कि लॉक के दर्शन के समीक्षा से। विरोध एक नकारात्मक शब्द है, तो इन शब्दों के प्रयोग से हम लोग बचेंगे। सकारात्मक का मतलब क्रिटिसाइजिंग, और क्रिटिसाइजिंग का मतलब होता है समालोचना। आप पॉजिटिवनेस के साथ उसकी आलोचना कर रहे हैं। एक होता है कि आलोचना आलोचना के लिए नहीं होनी चाहिए। तो दार्शनिक परंपरा या सामान्य परंपरा में भी ये एक उत्कृष्टता मानी जाती है कि आप आलोचना आलोचना के लिए नहीं करेंगे, आलोचना इसलिए करेंगे किसी खास निष्कर्ष पे आपको पहुंचनी है। तो बर्कले लॉक की आलोचना करता है। विरोध एक सामान्य शब्द है, इसके बजाय हम कहें समालोचना से शुरू होता है। तो बर्कले ने सबसे पहले लॉक की जो दो तीन मान्यता थी, क्या मान्यताएं थी? कि गुणों के आधार के रूप में द्रव्य की कल्पना, गुणों के आधार के रूप में द्रव्य की कल्पना, इसकी आलोचना की, आधार के रूप में द्रव्य की या द्रव्य का अनुमान, इस बात की विरोध किया उसने, या इस बात का समालोचना करके दूसरे में। और दूसरा पार्ट उसने लिखा कि जो गुणों की भी बात कर लेते हैं, तो एक हुआ प्राथमिक गुण और गौण गुणों का द्वैत, प्राथमिक और द्वितीयक। या गौण गुणों का द्वैत। इस दो मूल धारणाओं पे बर्कले ने अपने दर्शन की रचना की। दरअसल बर्कले आध्यात्मिक व्यक्ति था,
और लॉक के टाइम में मनोविज्ञान के विकास के बाद और विज्ञान की एक पुटता होने के कारण मनोविज्ञान और विज्ञान जब एक साथ मिला था तो उसमें नास्तिकता का प्रचार या प्रसार हो गया, और नास्तिकता के प्रचार या प्रसार से लोगों में क्या हो गई, लोगों में एक निराशावादिता की ओर लोग जो हमारी सभ्यता थी समाज थी बढ़ने लगी और समाज में एक निराशावादिता फैलती चली गई। बर्कले चाहता था कि उस निराशावाद से हम दर्शन को, सोसाइटी को, समाज को ऊपर लाएं और ऊपर लाके अध्यात्मवाद की विकास करें, और अध्यात्मवाद के विकास के दम पे ही वो सोसाइटी को इस, और अध्यात्मवाद कब हो सकता है, जब किसी आप पारस्परिक या एक पारलौकिक सत्ता की अनुभूति करेंगे या अनुभूति को मानेंगे। तो इसके लिए उन्होंने अध्यात्मवाद और ईश्वरवाद की संकल्पना करने की इच्छा की, और इसी इच्छा को प्राप्त करने के लिए उसने लॉक के दर्शन को एक नए ढंग से परिभाषित किया, एक नए ढंग से उसका सम्मोनित उन्नतिकरण किया और उस सम्मोन्नतिकरण के आधार पर अपनी दर्शन की रचना की। तो पहला हमने क्या कहा, सबसे पहले इन्होंने गुणों के आधार के रूप में द्रव्य का अनुमान जो था उसकी आलोचना कैसे किया। इन्होंने कहा कि जब हम किसी चीज का अनुमान ही करना हो तो फिर बौद्धिकता हो गई। दर्शन के क्षेत्र में जब जिसका हम अनुभव करें केवल अनुभव के रूप में ही माने तो द्रव्य की जो कल्पना है उसको उन्होंने नकार दिया, कहा कि द्रव्य ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर कहा गया कि जो वस्तु जगत की स्थिति है, ये जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं, इस वर्ल्डली अफेयर की रचना कैसी होती है या इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उन्होंने कहा कि एक प्रत्यय के संघात की संकल्पना की बात की, कॉम्पोजिशन ऑफ आइडियाज। मतलब बर्कले ने यह कहा कि जो चीजें हैं दुनिया में, जितनी भी चीजें हैं, वस्तु या जगत जो भी चीजें हैं, वो कहा कि उसकी केवल और केवल एक कोई वस्तुगत सत्ता नहीं है, केवल और केवल प्रतिभासिक सत्ता है। और इसी के लिए उन्होंने एक लाइन लिखी थी, कहा था कि टू बी इज टू बी परसिव्ड, जो है उसको हम अनुभव कर सकते हैं, अस्तित्ववादी की बात कर सकते हैं। मतलब सत्ता दृश्यता है, इसका मतलब कहा कि जो चीज दिखता है सत्ता दृश्यता है, इनका एक महत्वपूर्ण लाइन है। तो यह है कि सत्ता दृश्यता का मतलब क्या होगा, तो कहा कि जो सत्ता दृश्यता है इसका मतलब यह है कि जिसकी भी सत्ता है उसका अस्तित्व है। तो फिर पूछा वो अस्तित्व है तो अस्तित्व के रूप में किसी द्रव्य की कल्पना कैसे करें, उन्होंने कहा नहीं, जो है उसके कारण के रूप में किसी द्रव्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो फिर पूछा कि सत्ता फिर आएगी कैसे, इन्होंने कहा जो सत्ता है, सत्ता प्रत्ययों के संगठन है। यह द्रव्य की बात की तो द्रव्य को इन्होंने क्या कहा कि प्रत्ययों का संघात, प्रत्ययों का संघात। अब प्रत्यय कैसा होता है, तो प्रत्ययों को इन्होंने कहा कि सारी वस्तु की मानसिक सत्ता है, जो भी चीज हमारे दिमाग में है वही आइडिया, वही चीजें जब एक दूसरे पर चिपक जाती है तो हमें वस्तु का भान होता है, दरअसल कोई वस्तु नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि जब वस्तुओं की भान की बात करें, इसका मतलब वास्तविक सत्ता तो किसी चीज की हो ही नहीं सकती, सब क्या है, कुछ गुण है, प्रत्यय है, वो प्रत्यय के ही संघात है। तो फिर पूछा जाता है कि जिस चीज का हमें भान नहीं हो रहा है फिर क्या होगा। जैसे कहा जाता है कि बर्कले का दर्शन पढ़ के एक व्यक्ति ने अपने पैर पटके नीचे और कहा कि इसका मतलब है कि ये जो हमने पैर पटका इसकी भी कोई अस्तित्व नहीं है, ये केवल हमारी मानसिकता ही है। और कहा जाता है कि बर्कले एक बार अपने किसी दोस्त के यहां गया तो बर्कले ने उसकी गेट खोलने की कहा, उस व्यक्ति ने बर्कले से ये मजाक किया, जब आप मानते हो कि सारा चीज मानसिक कल्पना ही है, वास्तविकता नहीं है, तो कल्पना कर लो कि हमने गेट खोल दिया और आप आ गए। तो कहा जाता है कि बर्कले की सबसे बड़ी हास्यास्पद, बर्कले का सबसे बड़ा मजाक था। लेकिन ये तो एक लौकिकता की बातें हो गई, बर्कले का सोच इस स्तर पर नहीं था, बर्कले इस दुनिया से कुछ अलग चीजों के बारे में सोच रहा था। बर्कले ने जब ये बातें कही कि सत्ता दृश्यता है, इसका मतलब सत्ता के दृश्यता के रूप में दृश्य कौन है, उसने माना कि सत्ता का दृश्य के रूप में एक आत्मा है। अब आत्मा किसकी, तो आत्मा के रूप में इसने दो कल्पना की, एक तो अपनी आत्मा जिसको सीमित आत्मा, जैसे हम लोग हैं सीमित आत्मा में हैं, हमारी एक लिमिटेशंस हैं, और एक असीमित आत्मा की चर्चा की जिसको हम ईश्वर कहते हैं। बर्कले ने असीमित ईश्वर की भी चर्चा की और उसने कहा कि दो चीजें हैं, या तो हम अपने जीवन में जिन चीजों को समझ पाते हैं वो तो सीमित आत्मा की दर्शन है, जिन चीजों को हम नहीं देख पाते हैं वो ईश्वर की आत्मा में दिखता है, ईश्वर उसको अनुभव कर रहे होते हैं और ईश्वर के अनुभव से ही उन चीजों का अस्तित्व है। अर्थात ये हुआ कि इस कमरे में जो चीज है वो हम देख रहे हैं तो ठीक है, हम नहीं देख रहे हैं फिर भी इसका अस्तित्व इसलिए होगा कि ईश्वर इसे देख रहा होगा। जहां ना हम देखें ना ईश्वर देखें, वहां उस वस्तु की कहीं सत्ता नहीं होंगी। तो यहां इस बात को सत्ता दृश्यता में जो दर्शक है, जो देखता है, तो इस दर्शक के लिए, सत्ता दृश्यक के लिए उसने क्या किया, दो पार्ट की कल्पना की, दो आत्मा, एक ससीम आत्मा या सीमित आत्मा, सीमित आत्मा के रूप में कौन, हम लोग, और एक असीम आत्मा या असीमित। ये जो असीम आत्मा है इसमें कौन आ जाएंगे, इसमें कहा जाता है ईश्वर। अर्थात इस अर्थ में जब देखेंगे तो बर्कले ने यह कहा
कि जिस किसी भी चीज का अस्तित्व है या तो हमारे नजर में अस्तित्व में है या तो हम देखते हैं और या फिर ईश्वर की नजर में है। और वास्तविकता भी इस हद को देखोगे तो आधुनिक विज्ञान के दर्द में भी ये बातें एक बहुत हद तक सही साबित होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम सोचें, एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही संस्था, उसकी जो अस्तित्व है वो केवल हमारे और हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे आप भीड़ में जा रहे होंगे, उसमें से कई लोग आपके सामने से गुजरते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि वो गुजर तो गए लेकिन आपने उन्हें देखा नहीं, जबकि आंखें उसी ओर देख रही थी, दिमाग उसी ओर चल रहा था, लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं होता है। मतलब यह है कि उस वस्तु की के अस्तित्व से आपका अस्तित्व डिसाइड नहीं होता। मतलब यह है कि आपका मस्तिष्क, आपकी आत्मा भी इस बात को भान करने के लिए होनी चाहिए, और आत्मा का ही यदि प्रत्यय है तभी उस चीज का अस्तित्व होता, वरना अस्तित्व नहीं होता है। हाँ, अब यहां एक बातें होती हैं कि आत्मा कैसी, हमारी या ईश्वर का। तो कहा गया कि जिस तरह हमारे बिना सोचे दुनिया में कुछ, मतलब जिस तरह हमारे बिना सोचे दुनिया की लौकिक चीजों का अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही ईश्वर यदि नहीं सोचे तो दुनिया में किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं हो सकता। इस अर्थ में यदि हम चर्चा करें तो कहा जाए कि दो, या तो हम या ईश्वर, जिसको भी प्रत्यय के रूप में मानते हैं उसी की केवल सत्ता होती है। ठीक है, यह मूलतः था। तो अब थोड़ा सा बर्कले के दर्शन को हम थोड़ा सा फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं। बर्कले क्या था? बर्कले अध्यात्मवादी है, ईश्वरवादी है। बर्कले क्या है? अध्यात्मवादी है, ईश्वरवादी है। अध्यात्मवादी, ईश्वरवादी, वो दर्शन में विज्ञान की जो नास्तिकता है उससे दर्शन को उबारना चाहते हैं और दर्शन को आध्यात्मिकता के और ईश्वरवादिता के एक मजबूत फाउंडेशन पे बिठाना चाहता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि हमने कहा कि द्रव्य की जो मूलभूत अनुमान के आधार पर द्रव्य की सत्ता का खंडन किया, और द्रव्य की सत्ता के खंडन करने के बाद उसने किसकी बात की? प्रत्ययों की सत्ता की बात की। ये कंप्लीट। दूसरी बात जो उसने किया, कहा जाता है कि दूसरा है इसका कि प्राथमिक और द्वितीय गौण गुणों के रूप में आधार। यहां इस बात को आप समझ गए कि गुण के आधार के रूप में द्रवों का क्या जो अनुमान था उसको खत्म कर दिया। क्या माना इसके आधार पर? वस्तु या द्रव्य क्या है? द्रव्य केवल और केवल प्रत्ययों का संघात है। अब आते हैं प्राथमिक या द्वितीय गुणों को डिवाइड। लॉक ने दरअसल माना क्या था कि एक वस्तु कोई है जिसका प्राथमिक गुण संवेदन या स्वसंवेदन के आधार पर हम समझते हैं, और गौण गुण को उसने ये कहा कि हमारी आत्मा की उपज होती है, हमारी आत्मा उस गौण गुण को या सेकेंडरी गुणों को अपने स्तर पर कल्पना करती है। बर्कले कहता है कि नहीं, बर्कले कहता है ये प्राथमिक और गौण गुण में सेपरेशन नहीं है। दरअसल वस्तु का जो कारण जिसे आप कहते हैं, प्राथमिक और गौण गुण दोनों ही आत्मा की ही उपज हैं। यदि आत्मा इस बात को नहीं समझे तो प्राथमिक गुण का भी जो आधान है वो हमें नहीं प्राप्त हो सकता। कैसे? कहा जाता है यदि आप पीलिया के रोगी हैं तो जो वस्तु है जिससे वो कलर सेंसेशन आपके दिमाग में आ रही है वो भी पीला ही आएंगी, या आप ब्लाइंड हैं तो आपको दिख नहीं पाएंगे। मतलब ज्ञानेंद्रियां यदि हमारी मजबूत नहीं है तो वस्तु होने के बावजूद भी उसकी जो सेंसेशन है वो हम तक नहीं पहुंच सकती। या सामान्यतया हमारे सामने भी कोई चीज होता है फिर भी यदि हम नहीं चाहते हैं, हमारी आत्मा किसी दूसरी ओर लगी होती है, हमारे मानसिकता कुछ और होती है, तो हमें वो चीज नहीं दिखता है। मतलब ये हुआ कि यदि प्राथमिक गुणों का अधिष्ठान वो वस्तु होता और उससे प्राथमिक गुण निकल रहा होता तो जबरदस्ती आपकी आंखों के थ्रू आपका भान होता इस बात का, लेकिन ऐसा नहीं है। चूंकि आपको भान नहीं होता, दैट मीन हम ये मान सकते हैं कि प्राथमिक और गौण गुण दोनों ही हमारी मानसिक अवस्था ही है, उसी मानसिक अवस्था के अनुरूप हम उस चीजों को देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? प्राथमिक गुण और गौण गुण भी सेपरेट नहीं है, ये भी हमारे मन, हमारी आत्मा आधारित ही है। मन और आत्मा आधारित ही है, मन और आत्म आधारित ही है, मन और आत्म आधारित ही है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ चर्चा करें कि नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएं तो आखिर क्या होगा। तो कहा जाता है कि जैसे यहां हम लोग द्रव्य की और गौण गुण और प्राथमिक गुणों को तो हमने डिस्कशन कर लिया कि क्या होगा, अब हम लोग कुछ और भी चर्चा करते हैं कि आखिर बर्कले ने क्यों, किस आधार पे इन चीजों का विरोध किया और क्यों वो ऐसा सोचते थे। तो कहा जाता है कि कुछ महत्वपूर्ण कारण जिसे पॉइंट के फॉर्मेट में आपको लिखना होगा कि द्रव्य के रेफ्यूटेशन के कारण, द्रव्य को क्यों नहीं माना, बर्कले का द्रव्य के न मानने का कारण। क्या है? सबसे पहला कारण यह है
कि हमें गुणों के अधिष्ठान के रूप में द्रव का प्रत्यक्ष नहीं होता। नोट कर लीजिए, गुणों के अधिष्ठान के रूप में द्रव का प्रत्यक्ष नहीं होता। गुणों के अधिष्ठान के रूप में द्रव का प्रत्यक्ष नहीं होता। दूसरा कारण यह है कि हम अनुमान से भी इसका ज्ञान नहीं कर सकते, अनुमान से भी इसका ज्ञान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक सामान्य स्तर से अधिक यदि आप अनुमान करेंगे तो फिर कई सारे दोष उत्पन्न हो जाएंगे। कैसे? यदि हम मान लो कि द्रव की हमने कल्पना कर ली कि गुणों के अधिष्ठान के रूप में द्रव है, इसका मतलब है कि उस द्रव के अधिष्ठान के रूप में भी एक और द्रव होगा, ऐसी भी कल्पना की जा सकती है। फिर उसके भी अधिष्ठान के रूप एक नहीं, तो क्या होगा? यदि हम ऐसा करेंगे तो एक अनावस्था दोष आ जाएगी। कहां तक ऐसा चलेगा? यदि ऐसा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? अनावस्था दोष आ जाएगा। यदि ऐसे करेंगे तो अनावस्था दोष हो जाएगा। यदि अनुमान करें तो अनावस्था दोष आ जाएंगे। अनावस्था दोष समझते हो ना, कि यदि हम एक के तुल अनावस्था दोष आ जाएगा। मतलब यह है कि यदि हमने एक के अधिष्ठान के रूप में दूसरे की कल्पना की तो उसके अधिष्ठान के रूप में भी हमें नई कल्पना करनी होगी, और जब उसके अगेन नई कल्पना तो फिर अगेन नई कल्पना, और फाइनली ये नई कल्पना कब तक जाएगा? तो एक ये चेन बनता चला जाएगा, ये खत्म ही नहीं होगा। इसको कहते हैं अनावस्था दोष। दूसरा कारण इन्होंने ये कहा कि जो कार्य कारण संबंधी चीजें हैं इससे भी हम नहीं प्राप्त कर सकते। कैसे? तो कहा जाता है कि कार्य कारण नियम के आधार पर यदि मान लो, जैसे लॉक ने कहा था कि कोई कारण होगा तभी कार्य होगा, और वस्तु की अधिष्ठान के रूप में कोई वस्तु होंगे तभी कलर निकलेगा, तो कार्य कारण आधार के रूप में भी हम नहीं मान सकते। कैसे? कहा जाता है कि यदि कार्य कारण बात से माने तो जो गुण है वो क्या है? चैतन्यता की गुण है, और वस्तु क्या है? हमने जड़ माना है। तो कहा कि जड़ से चेतन और चेतन से जड़ की उत्पत्ति कैसे होंगे? इसलिए कार्य कारण भाव के रूप में भी हम इसको नहीं मान सकते। कार्य कारण भाव के रूप में भी नहीं मान सकते। कार्य कारण भाव के रूप में भी नहीं मान सकते। हम इसे नहीं मान सकते। कैसे नहीं मान सकते? कहा कि यदि कार्य कारण भाव के रूप में मानोगे तो दो प्रश्न कारण होंगे। पहली बात तो यह कि द्रव्य जो उसका कारण है तो द्रव्य का कारण कौन होगा, और दूसरी बात यह कि द्रव्य की यदि बात करें तो ये जो हमारा गुण है, गुण क्या है? चैतन्य है, और जो चैतन्यता है वो जड़ से, एक जड़ पदार्थ से कैसे उत्पन्न हो सकता है? जड़ से चैतन्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? जड़ से चैतन्यता की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? जड़ से चैतन्यता की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? इस आधार पर भी उन्होंने नहीं माना। उसके बाद कुछ हम कहते हैं अनावस्था दोष को हमने डिस्कस कर ही दिया कि अनावस्था दोष आ जाएगा लास्ट तक। और दूसरी बात उन्होंने कहा ये अनुपयोगी है। अनुपयोगी का मतलब क्या हुआ समझते हैं? अनुपयोगी का मतलब ये होगा कि जब एक ऐसी चीजों के मानने के लिए हम थोड़ा परिश्रम भी करें जिससे हमें लगता है कि कोई बेनिफिट है, हम इन चीजों को जब मानने लगेंगे तो हम भौतिकवाद की ओर बढ़ते जाएंगे। क्योंकि द्रव्य को जब हम मानेंगे तो भौतिकवाद, और भौतिकवाद होंगे तो फिर ईश्वरीय सत्ता की संकल्पना में पर्याप्त दोष आ जाएंगे। नतीजा ये होगा कि समाज में नास्तिकता का उदय होगा, नास्तिकता से निराशावाद की ओर जाएंगे, निराशावाद से ओर जाएंगे तो स्वार्थ लोलुपता एटसेट्रा बढ़ेंगे, नियम कानून भंग होंगे, और एक पर्याप्त नैतिकता आदि का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अध्यात्मवाद और ईश्वरवाद की स्थापना करने के लिए भी इस टर्म को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मतलब इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए भी हम जड़ की सत्ता नहीं मान सकते। क्योंकि किसी भी बात की कल्पना भी तो हम तभी कर सकते हैं जब हमें लगेगा कि इसकी कोई आवश्यकताएं हैं। यदि इसकी कोई आवश्यकताएं नहीं है तो ऐसा मानना हमारे लिए बेवकूफी है और हम इसे नहीं माने। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर के बारे में इन्होंने कल्पना की कैसे की? तो कहा था आत्म तत्व के बारे में जैसे हमने कहा कि जो ज्ञान की बातें हैं या जिसका अस्तित्व की बातें करते हैं, हमने क्या कहा? सत्ता दृश्यता है। अब देखता कौन है? सत्ता दृश्यता है, इस टर्म को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लें। कहा जाता जो सत्ता दृश्यता है इसका मतलब होगा कि जो चीज दिख रहा है, तो दिख किसको रहा है? दृश्यता मतलब किसको दिखता है, किसको दिखता है?
इसके अर्थ में उन्होंने दो आत्मा की चर्चा की, एक कौन सा सीमित आत्मा और दूसरा किसकी चर्चा की असीमित आत्मा। सीमित आत्मा के रूप में उन्होंने किसकी चर्चा की व्यक्तिगत आत्मा, और इसके रूप में उन्होंने किसकी चर्चा की ईश्वर की। तो कहा कि जो चीज जिसकी सत्ता नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, जिसकी दृश्यता नहीं है, वो अस्तित्व में नहीं है। मतलब दृश्यता, इसका अर्थ इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिख लो, कहा जाता है कि जो दृश्य नहीं है वो सत्ता नहीं है, जो दृश्य नहीं है या जिसकी दृश्यता नहीं है, अथवा जिसकी दृश्यता नहीं है, दृश्यता नहीं है उसकी सत्ता नहीं है। जो दृश्य नहीं है उसकी सत्ता नहीं है। अब यह प्रश्न है, इसका मतलब है कि सत्ता, मान लो हमने कई चीजों को देखा, जैसे मैंने हमने एग्जांपल दिया था, तो कहा था चलिए हम किसी चीज को नहीं देख रहे हैं तो फिर उसकी सत्ता नहीं हो, ऐसी बातें तो नहीं होंगी, तो बड़ी हास्यास्पद बातें होंगी। और प्रैक्टिकली लगता है कि मान लो हमको नहीं दिखा, हमारी कोई समस्याएं हो तो फिर कैसे नहीं हो सकता। तो इसी प्रश्न से दरअसल जो बर्कले की शुरुआती दर्शन थे, बर्कले ये चाहता था कि केवल एक ही आत्मा की बात करें, लेकिन इससे दुनियादारी की जो अन्य अन्य वस्तुएं हैं उस पर प्रश्न उठ जाता, उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर पाते। तो इस अहंग मात्र के दोष से बचने के लिए, केवल आपने जो कहा कि मैं ही देख पाता हूं वही है या नहीं है, इस दोष से बचने के लिए उसने असीमित आत्मा की भी चर्चा की। और किस आधार पे किया उसने, जबकि यह भी दर्शन से अलग हो गया। जैसे थोड़ी सी जो अनुभववाद था, अनुभववाद में हमने क्या कहा, जिसका हम अनुभव करते हैं केवल वही, और जब हम अनुभव नहीं करते ईश्वर की भी तो अनुभव हम नहीं करते। यही दर्शन की असंगतता भी होगी बर्कले के दर्शन की, बाद में इसकी आलोचना में हम इस बात को पढ़ेंगे। हाँ, इसकी जरूरत थी है कि वो ईश्वर की आत्मा की कल्पना करे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अनुभव न करने के बावजूद भी चीजों का अस्तित्व होता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया पैर पटकने वाला और दूसरा एग्जांपल, तो कहा जाता है कि सीमित आत्मा व्यक्ति और असीमित आत्मा ईश्वर। अर्थात यदि इस अर्थ में देखा जाए तो वो हर वही वस्तु की सत्ता है जिसे या तो हम देख रहे हैं या फिर ईश्वर देख रहे हैं। दोनों में से यदि कोई नहीं देख रहा है तो फिर उस वस्तु की कोई सत्ता नहीं हो सकते हैं। तो कहा जाता है ईश्वर में है क्या, ईश्वर का काम क्या है, ये आत्मा के भी रचयिता है, आत्मा के भी रचयिता, आदि रूप में सारे प्रत्ययों के भी रचयिता है, आदि रूप में सारे प्रत्ययों के, आदि रूप में सारे प्रत्ययों के भी अधिष्ठान है, प्रत्ययों के भी अधिष्ठान है, मतलब सारे प्रत्यय इन्हीं में है, आदि रूप में सारे प्रत्ययों के भी अधिष्ठान है। ठीक है, मतलब अब यहां समझ में आ रहा है आपको कि क्या होगा, असीमित ईश्वर ही, मतलब जो सीमित आत्मा भी है यह भी इसी का एक अंश है, और इसी अर्थ में पूरी दुनिया को उन्होंने कह दिया जो दिखता है वही सत्ता है, जो नहीं दिखता है, जिसकी दृश्यता नहीं है उसकी सत्ता नहीं होगी। अब इसके बाद इन्होंने आत्मा को ईश्वर को किस आधार पर मान्यता दी, चूंकि इनके दर्शन से ये असंगत है, लेकिन फिर भी हम कुछ चर्चा करते हैं कि आखिर किस आधार पर इन्होंने ईश्वर की कल्पना कर ली। तो कहा जाता है कि दो तीन चीजें, वैसे हमने कहा कि इनके दर्शन से मूलतः ये असत्य है, असंगत है, लेकिन फिर भी इन्होंने किस आधार पर इसकी चर्चा की, इस पर कुछ बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने ईश्वर की कल्पना तो इसलिए की कि दर्शन को क्या करना था, आस्तिक एवं आस्तिकता एवं ईश्वरवाद की ओर ले जाना था, ईश्वरवाद आस्तिकता एवं ईश्वरवादी, ये सीधे लिख लो, आस्तिक एवं आस्तिकता एवं ईश्वरवाद को बढ़ावा देने हेतु इन्होंने ईश्वर की संकल्पना क्यों की। दूसरा मुद्दा इन्होंने क्या किया, वो जो कार्य कारण भाव की बातें थी, तो कहा जाता है कि जो प्रयोजन मूलक सत्ता है, प्रयोजन मूलक का मतलब प्रयोजन जिसकी है एक दुनिया में, जैसे चूंकि कहीं ना कहीं तो एक लास्ट होना चाहिए जो सबका क्रिएटर है, तो कार्य कारण मूलक सत्ता भी होना चाहिए, कारण कार्य मूलक, हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, इसलिए ईश्वर और इस सत्ता ये दुनिया के भी कारण के रूप में ईश्वर की सत्ता होंगी। फिर उन्होंने कहा प्रयोजन मूलक, प्रयोजन मूलक का मतलब यह होगा कि इस बात का उद्देश्य क्या है। कहा जाता है कि ये जो दुनिया है, दुनिया की जो आवश्यकताएं हैं, दुनिया जो बनाई गई, कहीं ना कहीं कोई प्रयोजन तो रहा होगा, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की इच्छा तो रही होगी, वरना ये अकारण तो हो नहीं सकता,
तो उस कारण के रूप में कहा जाता है, प्रयोजन मूलक सत्ता के रूप में भी ईश्वर की संकल्पना की गई। फिर इन्होंने क्या कहा, सतत आभास के रूप में भी, कहीं ना कहीं हम व्यक्तियों के मन में कहीं ना कहीं ईश्वर की संकल्पना लगातार चलती रहती है, और ये जो ईश्वर की संकल्पना हमारे मन में कहीं ना कहीं लगातार चलती रहती है, ये भी कहा जाता है कि यदि ईश्वर नहीं होता तो फिर लगातार संकल्पना हमारे मन में कैसे आती, क्योंकि जो नहीं है उस बात की कभी चर्चाएं नहीं होती, जो है हम केवल उसी के बारे में यस और नो की बात करते हैं। तो क्या लिखे, सतत अनुभव के, सतत अनुभव के आधार पे, या अनुभव को आप ऐसे लिख सकते हो सतत आभास, अनुभव बहुत मूर्त हो जाएगा, सतत आभास के रूप में, सतत आभास के रूप में भी हम ईश्वर की कल्पना करते हैं। अब देखो ईश्वर को इसी आधार पे हम कुछ आलोचना भी कर सकते हैं। कैसे आलोचना कर सकते हैं, क्या आलोचना कर सकते हैं, तो कहा जाता है कि पहली बात तो ये कि जब आपने फिर उसी कार्य कारण भाव के रूप में, जैसे हमने अनावस्था दोष की बात की थी, उसको बढ़ाने की बात करेंगे, तो यदि कार्य कारण मूलक की बात करें तो सीमित आत्मा या असीमित आत्मा, असीमित आत्मा ईश्वर को हमने सीमित आत्मा के कारक माना, तो ये भी प्रश्न उठ सकता है उसका भी कारण कहां होगा। तो एक लास्ट पॉइंट हम यहीं आके क्यों रुक गए, एक और कदम आगे बढ़ सकते थे, फिर एक और कदम, तो अनावस्था दोष की बात है ये। प्रयोजन मूलक ये कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज का प्रयोजन ही हो, दुनिया में बहुत सारी चीजें और प्रयोजन भी होती हैं। कई बार आप नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो जिसकी कोई आवश्यकता है आपको समझ में नहीं आती। हाँ, ये कहा जाता है, साइंस में कहा जाता है या हर क्षेत्र में कहा जाता है कि कई बार चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपको तत्काल उसके प्रयोजन समझ में नहीं आती, लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उसके प्रयोजन होते हैं और कोई बड़ा नियंता उसको नियंत्रित कर रहा होता है। तो इसी अर्थ में ब्रैडले इसने कहा था, बर्कले ने, कि ईश्वर के रूप में जो असीमित आत्मा उनका कोई प्रयोजन है, उनका कोई इच्छाएं हैं या कोई चीज है जिसके आधार पर विश्व का निर्माण हुआ। तो खैर, लेकिन यह भी एक प्रश्न उठा कि क्यों प्रयोजन। दूसरा है सतत आभास के रूप में, सतत आभास के रूप में हर व्यक्ति को कहां होता है, यदि सतत आभास के रूप में होता तो फिर नास्तिकता का जन्म नहीं होता। तमाम लोग ऐसे भी हैं जो नास्तिक होते हैं, तो ये भी वो कह सकते हैं कि सतत आभास के रूप में उन्हें यही लगता कि ईश्वर नहीं है, और इस आधार पे हम ये भी सिद्ध कर सकते थे कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर ये सत्ता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो कहा जाता है इन कर्मों के कारण इसकी बर्कले की आलोचना भी की जाती है। दूसरा ये कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न और भी आएगा कि जो हमारी आत्मा है वो क्या है, सीमित आत्मा है। एक दूसरा प्रश्न आ जाएगा कि सीमित आत्मा को असीमित ईश्वर का ज्ञान कैसे हो जा रहा है, सीमित आत्मा को ईश्वर का असीमित ज्ञान कैसे हो गया, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि असीमित को तो सीमित का ज्ञान हो सकता है, लेकिन सीमित को असीमित ज्ञान कैसे हो सकता है, जो लिमिटेड है उसको अनलिमिटेड का ज्ञान कैसे हो सकता है, तो यह भी एक बड़ा प्रश्न है। उसके बाद कहा जाता है कि ईश्वर जीवात्मा और जो वस्तुएं हैं, ईश्वर और जीवात्मा दोनों की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई, ये तो हमने डिस्कशन इससे पहले ही करवा लिया। फिर कहा जाता है कि जिस आधार पे आपने आत्मा की खंडन किया, जिस आधार पे आपने द्रव्य की सत्ता का खंडन किया अनुमान के आधार पे, उसी द्रव्य की सत्ता के आधार पे हम ईश्वर का भी खंडन कर सकते हैं। आपने कहा था ना कि द्रव्य के अधिष्ठान, गुणों के अधिष्ठान के रूप में द्रव्य की कल्पना नहीं कर सकते, वैसे हम इन सारे चीजों के अधिष्ठान के आधार में ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनुमान ही तो लगाना है, और अनुमान कहीं ना कहीं बौद्धिकता के पीछे जा रही है। मतलब यह है कि अनुभववाद से सुसंगतता नहीं बैठती। यही बाद में इन लोगों का, यही बाद में क्या हुआ, इनकी आलोचना का विषय बना। ये तो द्रव्य विषयक बातें हुई। फिर जो इन्होंने सत्ता दृश्यता है इस संबंध की बातें की, तो इसमें मूड का एक परा सा पूरा बड़ा रेफ्यूटेशन आया है। सत्ता दृश्यता है, इसके लिए बाद में जब आते हैं कंटेम्परेरी फिलोसफी में, तो मूर आता है, और मूर इस लाइन को बड़ी विशेष रूप से, व्याख्यात्मक रूप से इस लाइन को रेफ्यूट करता है कि यह लाइन संभव ही नहीं हो सकता। सत्ता दृश्यता है को किसी भी अर्थ में यदि हम प्रयोग करना चाहें तो यह संभव नहीं होगा, और यह इतना बड़ा टॉपिक एंड ब्रॉड टॉपिक होगा कि इससे हमें यहां डिस्कशन के बजाय जब हम लोग मूर पढ़ लेंगे, मूर एक हमारा टॉपिक होगा, उस मूर में हम लोग आएंगे तो इनकी चर्चा कर लेंगे। इन टॉपिक को, सत्ता दृश्यता है के बारे में बहुत जो डिस्कशन है वो मूर के आने तक प्रतीक्षा करेंगे। कंटेम्पररी फिलोसफी में मूर में हम लोग इसको पढ़ लेंगे। अब और भी चर्चाएं, कुछ कुछ इसकी आलोचनाएं हैं। अब एक दो तीन प्रश्न उठ जाएंगे कि बर्कले है क्या, ये दो तीन प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में। सबसे पहले कि बर्कले है क्या, बर्कले अहंग मात्रवादी है या नहीं है, अहंग मात्रवादी है या नहीं है। अहंग मात्रवादी का मतलब यह होगा कि ऐसा जो केवल केवल अपनी ही आत्मा को मानता है, अपने ही अनुभव के आधार पर मानता है। तो कहा जाता है यदि एक बड़े प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो ये है भी और नहीं भी है। कैसे है,
कहा जाता है कि एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में यदि आप देखेंगे तो ये कहता है कि अहंग मात्रवादी है, अहंग मात्रवादी होना ही चाहिए, है भी, क्योंकि ये कहता है क्या है, या तो ईश्वर का ईश्वर को भास हो रहा है, या तो ईश्वर को भास हो रहा है, या फिर व्यक्ति को भास हो रहा है, या तो ईश्वर को भास हो रहा है, या सीमित आत्मा को भास हो रहा है, इसके अलावा किसी की सत्ता नहीं है। इस अर्थ में यह अहंग मात्रवादी भी है। लेकिन एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करें तो चूंकि ईश्वर तो असीमित आत्मा है, तो ईश्वर के परिप्रेक्ष्य को हटाया जाए, चूंकि वो इतना बड़ा रेफरेंस हो जाएगा, इतना बड़ा रेफरेंडम हो जाएगा, ईश्वर हमारे लिए सबके लिए समान हो जाएंगे, तो इस अर्थ में हम लौकिक अवधारणाओं के स्तर पर देखेंगे तो ये कहता है कि नहीं, इस अर्थ में ये वस्तुनिष्ठवादी है। कैसे? यदि लौकिकता के आधार पर देखेंगे तो ये वस्तुनिष्ठवादी भी है लौकिकता। क्यों? इस पे ये वस्तुनिष्ठवादी या वस्तुवादी भी है। कैसे है? जैसे इसने कहता है कि हमारी जो आत्मा है वो सीमित है और वो किसी सीमित चीज को ही देखती है, और इस सीमित चीज को ही देखने के चलते, इस सीमित चीज को देखने के ही चलते वो वस्तुवादी मानता है, क्योंकि हमारे न देखने के बावजूद भी दूसरे के नजर में भी कोई चीज है, और इस अर्थ में वस्तु की बात में तो वस्तुवाद को मानेगा। मतलब जब सीमित अर्थ में देखेंगे, संकीर्ण अर्थ में देखेंगे, सीमित आत्मा के अर्थों में देखेंगे, तब तो ये वस्तुवादी है। यदि हम एक विराट स्तर पर देखेंगे जहां असीमित आत्मा की बात करें तो केवल और केवल अहंग मात्रवादी है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, सीमित आत्मा के अर्थ में, सीमित आत्मा का मतलब क्या होगा, व्यक्तिगत आत्मा के अर्थ में ये वस्तुवादी है, सीमित आत्मा के अर्थ में वस्तुवादी है, लेकिन जो विराट स्तर में बात करें, असीमित आत्मा के अर्थ में बात करें, क्योंकि असीमित ईश्वर के बात करें तो ईश्वर तो सब कुछ को देखता ही, ईश्वर के कारण ही सब कुछ है, तो इस अर्थों में क्या हो जाएगा, ये इस अर्थों में ये अहंग मात्रवादी हो जाएगा पूरी तरह, और कुछ भी नहीं होगा। अब सीमित आत्मा और असीमित आत्मा का मतलब आप समझ गए, सीमित आत्मा का मतलब व्यक्तिगत आत्मा और असीमित आत्मा का मतलब ईश्वरवादी आत्मा जो ईश्वर है। अब यहां आलोचना हम कर लेंगे, तो पेरी ने आलोचना किया, मूर ने आलोचना किया, कई लोगों ने आलोचना किया, आलोचना किस आधार पर किया, यह हमने डिस्कशन कर ही लिया किस आधार पर, मूर की आलोचना की बाद में चर्चा हम लोग करवा लेंगे। तो लगभग बर्कले हमारा समाप्त हो गया। बर्कले का मतलब यह था कि इसने व्यक्तिगत या वस्तुगत जो सत्ताएं थी उसको खत्म कर दिया, केवल और केवल आत्मा के मतलब केवल और केवल प्रत्ययों की सत्ता माना, और वस्तु को कैसा माना कि वस्तुएं रंग रूप वस्तु आदि का अधिष्ठान है। जैसे मान लो कहा जाता है कि जो गाय या टेबल या चेयर कुर्सी की आप चर्चा करते हैं तो वो केवल ये है, रंग रूप गंध सौंदर्य इन सब की जो प्रत्यय है इसको जब संघात कर देते हैं तो केवल यही वस्तु है। दूसरे अर्थ में हमने गौण गुण और प्राथमिक गुण को भी इसने खत्म कर दिया, क्या कहा, सारे के सारे उस प्रत्यय के आधार पर ही है, और फिर प्रत्यय के आधार के रूप में किसने, इसने प्रत्यय को कल्पना करके रूप में एक आत्मा सीमित आत्मा और जो असीमित आत्मा ईश्वर की कल्पना कर ली। फाइनल ये हुआ कि वस्तु जगत को सामान्य अर्थों में इसने खत्म कर दिया, किस अर्थ में, इस विराट अर्थ में, और अदरवाइज इसने जो अपनी सीमित आत्मा के रूप में वस्तुवादी है। अब चूंकि ईश्वर का कल्पना और ये जो द्वैत की कल्पना है, ये खास करके ईश्वर की जो इन्होंने कल्पना कर ली, ये थोड़ी सी इसके दर्शन से असंगत माना जाता है, असंगत हो जाता है, क्योंकि उसका भी आपने अनुमान किस आधार पे लगा लिया। ठीक है, तो इसके दर्शन को ठीक करने के लिए, इसकी समालोचना करने के लिए, इसके दर्शन को अपने प्रकाम्य तक पहुंचाने के लिए बाद में ह्यूम आते हैं, और यही अनुभववाद का अंत होता है, या अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचता है अनुभववाद, जो ह्यूम होंगे। अगली क्लास में हम लोग ह्यूम के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें जो अनुभववाद है पूरी तरह संदेहवाद में बदल जाता है, अनुभववाद पूरी तरह संदेहवाद में बदल जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जो ह्यूम होंगे ह्यूम को पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे।